राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भाजपा के चलबो गोठान खोलबो पुल अभियान के तहत सोमवार को भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित गोठान पहुंची। अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने गोठान के संचालन व्यवस्था और आय की जानकारी ली। इस दौरान सांसद ने कहा कि यहां गोठान के नाम पर चारा और गोबर घोटाला हो रहा है। प्रदेश सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने गौठानों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत कर प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना को एक बार फिर से कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस अभियान के तहत बीजेपी के सभी बड़े दिग्गज नेता अपने अपने क्षेत्रों में बने गौठानों में जाते देखे जा रहे हैं और गाय और गौठानों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई कोसानगर गौठान में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पहुंची और कोसानगर गौठान का निरीक्षण किया और आरोप लगाया कि इस गौठान में दो दिन पहले न तो गाय थी और न ही उनके लिए चारा व्यवस्था थी, मगर आज जब निरीक्षण करने पहुंची है तो यहां भारी मात्रा में गाय लादी गई है। ये सभी नई गाय है, उनके कानों में टैग लगा हुआ है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नकल भी किए हैं तो चोरी को चोरी से छुपा भी नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गौठान चलबो पोल खोलबो हम इस अभियान के तहत आज यहाँ पर आए हैं। कोसानाला के इस क्षेत्र में जब हम यहाँ पर पहुँचे तो दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता यहाँ आए तो यहाँ पर कहीं कोई गाय नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज इसको जिस प्रकार से सुसज्जित किया गया, लेकिन जब सुसज्जित किया जाता है और आनन फानन में जब कोई काम होता है तो जैसा दिखाई देता है एक गौ माता ऊपर जा चुकी है, बैठे बैठे चली गई है। भूसा है, चारा जो दिया हुआ है उसमें कोई दाना का नाम नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार के गौठान में व्यवस्था की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं और उनके भेंट मुलाकात में लोग इस बात को कहते हैं कि वो गोबर बेचते हैं तो अपने यहाँ पर कोई ट्रैक्टर खरीद लेता है, कोई सोना खरीद लेता है, ये प्रायोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री को अब कहना बंद कर देना चाहिए। गोबर का घोटाला है और अब छत्तीसगढ़ की पहचान मुख्यमंत्री के नाम के साथ एक नई पहचान है जो घोटाले के तौर पर एक इस मुख्यमंत्री को पहचानते हैं लोग। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि गौठान में गोलमाल है। जिन चीज़ों को हमने पूछा यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमें बहुत सारा दान मिला है, सब्जियाँ दान में मिली हैं, लेकिन पूरी सब्जियाँ अंदर रखी हैं और वो सब्जियाँ वापस चली जाएंगी या गायों तक पहुँचेंगी ये दिखाई नहीं देता। तो बहुत साफ और स्पष्ट गोलमाल दिखाई देता है, घोटाला दिखाई देता है। जिनको पैसा मिलना है वो समिति के लोगों को पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, गौ माता आई है, सबके कान में टैग लगा हुआ है, सब नई गाय है, देखने लायक बात है। यानी नकल भी करें तो स्पष्टता से कम चोरी को चोरी से छुपाएं तो वो भी नहीं कर पाए हैं। दो दिन पहले कुछ नहीं, आज सब कुछ। ऐसा ही गौठान अगर रौनक रहे तो क्या बात थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने गौठान के नाम पर जिस प्रकार का गोलमाल किया है आज उसकी पोल खोलने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि भाजपा ने चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत अभी की है, जबकि राज्य में पिछले 4 सालों से कांग्रेस की सरकार आने के बाद गौठानों में लगातार गायों का बसेरा, उनकी देखरेख, रख रखाव, उचित चारा दिया जाता रहा है। हाँ, यद्यकदा कभी अनियमितता रही तो उसे अनदेखा भी नहीं किया गया। बहरहाल, क्या भाजपा को गौठानों की याद अभी आई? क्या गौ माताओं के लिए अभी सोचना शुरू किया जो इस अनोखे अभियान की शुरुआत की? ये सोचने वाली बात है। बहरहाल, इस खोलबो पोल अभियान में बड़ी संख्या में भाजपाई नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।